दोस्तों, हजारों सालों पहले हमारी धरती पर बास करने वाली मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक माया सभ्यता थी, जो अचानक गायब हो गई। माया सभ्यता को प्राचीन खगोलीय ज्ञान था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों का रिकॉर्ड रखने के लिए पंचांग बनाया, जिसे माया कैलेंडर कहते हैं। उनका कैलेंडर मंगल ग्रह की चाल पर है और माया के खगोल शास्त्र में भी मंगल ग्रह का महत्व दिखाई देता है। माया सभ्यता ने हजारों साल पहले माया काल के मृतकों के माध्यम से बताया कि मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ। उन्होंने पहेली में वैसा ही दिखाया जैसे हमारे आज के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ इसकी खोज की। माया सभ्यता ने उस जमाने में ऐसी खोज कैसे की होंगी? क्या पृथ्वी पर मंगल के जीव आते जाते रहते होंगे? मंगल एक रहस्यमय ग्रह है और इसके तथ्य भी बहुत चौंका देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस रहस्यमय मंगल से जुड़ी जानकारी और मंगल ग्रह से जुड़ी पृथ्वी की सभ्यताओं के रहस्य के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो लाल दिखता है। वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से उसकी सतह लाल दिखती है। इस वजह से उसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी से 200 से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में मंगल ग्रह ने हमेशा हमारा ध्यान खींचा है और आकर्षित किया है। यह रहस्यमय ग्रह सोचने में मजबूर करता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा। दोस्तों, 20 अगस्त 1975 में अमेरिका ने टाइटन रॉकेट लॉन्च किया और वो वाइकिंग नाम का एक रोवर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी मंजिल मंगल ग्रह थी। 10 महीने बाद वाइकिंग यान पहली बार मंगल ग्रह की भूमि पर उतरा और उसने वहां का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वहां के हालात कैसे थे, सतह कैसी थी, वायुमंडल कैसा था, उसके आकार पर वहां की सतह हमारे पृथ्वी और रेगिस्तान के जैसी है। वाइकिंग यान ने वहां की मिट्टी का परीक्षण करना शुरू किया तो नतीजे चौंका देने वाले निकले। वहां की मिट्टी में कुछ जीव जंतु निकले और इस पर कई विवाद भी खड़े हुए। दोस्तों, एक बार फिर 4 जुलाई 1997 में नासा का यान पानी और जीवन की तलाश में मंगल ग्रह पर गया। वहां पर सोजनर रोवर ने खोजबीन शुरू कर दी और उस सतह पर प्राचीन जीवन के लक्षण ढूंढने लगा। उसके आधार पर वहां कहीं कहीं पे सतह नदी के सूखे तले और महासागर के सूखे तले जैसी है। इसका मतलब वहां सदियों पहले नदी नाले या महासागर भी थे, इसलिए वहां पर यह निशान पाए गए थे और वहां पर पानी था तो जीवन भी रहा होगा। दोस्तों, कई दशक मंगल ग्रह का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष लगाया गया कि किसी जमाने में वहां जबरदस्त धूमकेतु या उल्का की टक्कर हुई होगी, जिस वजह से मंगल ग्रह तबाह हुआ होगा और वहां पर बड़ी मात्रा में जिनोन 129 गैस मिली। यह गैस परमाणु विस्फोट के बाद तैयार होती है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर कई बार परमाणु विस्फोट किया गया है या वहां पर परमाणु युद्ध हुआ होगा, इसलिए यह ग्रह तबाह हो गया। दोस्तों, माया सभ्यता का हजारों सालों पहले हमारी धरती पर वास था। माया सभ्यता मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय सभ्यताओं में से एक थी, मगर क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गए? माया सभ्यता को प्राचीन खगोलीय ज्ञान था और उन्होंने विभिन्न घटनाओं और धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण का रिकॉर्ड रखने के लिए पंचांग बनाया, जिसे माया कैलेंडर कहते हैं। दोस्तों, उनका कैलेंडर मंगल ग्रह के चाल पर है और यह माया के खगोल शास्त्र में मंगल ग्रह का महत्व दिखाई देता है। दोस्तों, माया सभ्यता ने हजारों साल पहले माया काल के मृतकों के माध्यम से बताया कि मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ। दोस्तों, मंगल ग्रह की भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के काफी समान है, इसलिए इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना बहुत है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन होने के सबूत हमारी पृथ्वी के प्राचीन मृतकों में हमेशा दिखाई देते हैं कि वहाँ भी उच्च सभ्यता का वास था और वो हमारी पृथ्वी पर आते जाते थे। अगर मंगल ग्रह पर जीवन था तो ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर जीवन के संकेत क्यों नहीं हो सकते? ये तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी समय समय पर बदलती रहती है। मंगल और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हाल ही में नासा के संशोधन अनुसार मंगल ग्रह पर पानी होने का पक्का सबूत मिला है। मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर से मिली जानकारी के मुताबिक मंगल ग्रह के विषुववृत्तीय इलाके में गर्मी के मौसम में खारे पानी के प्रमाण मिले हैं, जो ठंडी के मौसम में जमकर लापता हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मंगल ग्रह के रहस्य। दोस्तों, हो सकता है मंगल ग्रह पर भी करोड़ों साल पहले कोई सभ्यता राज करती हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।